क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर वन नेचुरल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर फाइव, पेज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर फाइव के पेज नंबर 14 पर स्टूडेंट्स आपको टू क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर वन, टेल द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर, 1/2। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि फ्रैक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट न्यूमिरेटर, सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर। अपर साइड पर जो डिजिट होगा उसको हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और जो लोअर साइड पर डिजिट होगा उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि जो अपॉन के ऊपर नंबर होता है उसको हम न्यूमिरेटर बोलते हैं, जो अपॉन के नीचे नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पहले दिया गया है और न्यूमिरेटर बाद में दिया गया है। आपने इसको इस तरह से लिखना है कि आपने सबसे पहले बताना है कि न्यूमिरेटर कहाँ होता है और डिनोमिनेटर कहाँ होता है। न्यूमिरेटर हमेशा अपॉन के अपर साइड पर लिखते हैं और डिनोमिनेटर जो होता है वो अपॉन के लोअर साइड पर लिखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिजिट अपॉन के ऊपर होगा वह न्यूमिनेटर होगा और जो अपॉन के नीचे होगा वह डिनोमिनेटर होगा। स्टूडेंट्स ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस जो आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे और ये है आपके असाइनमेंट जो आप सॉल्व करके स्कूल में जमा करवाएंगे। मज़ीद समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।